जब आपको पकड़ लिया इन्होंने और जेल की सैर आप करके आए, सो वो टाइम कैसा था आपके लिए स्पेसिफिकली? इंजॉय किया, तंग किया इन्होंने बहुत आपको, या आप आपका कोई ऐसा वाक्या विच यू वांट टू शेयर विद योर व्यूज के दोस्ती कर ली आपने अंदर अंदर वहाँ पे मौजूद? नहीं, पुलिस वालों ने मेरे साथ जाती तौर पे, वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो, कहते थे सर मजबूरी है। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं, वो 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में, कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे, कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफ़ा, बातें करते थे आके, बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे, और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया, वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूँ इनका। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि जो तस्वीर खिंचाता था वो मुअत्तल हो जाता था। हाँ, ये हुआ बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ, बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबा कर नीचे रखा हुआ है, मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे, तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि, उसने मुझे बैठती ही गाड़ी में कहा सर मैं आपको जानता हूँ, मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना, कहता नहीं सर आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं तो चकवाल में आपको याद है फलां जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था, अब मुझे याद तो नहीं आया लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है, तो सर मेरे को तुसी ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक काम करो, क्या क्या, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? उसने कहा 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूँ। मैं जब वहाँ लेटा, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो मैं अपनी आंखों पर कोई ना कोई चीज़ रखता हूँ अंधेरा करने के लिए, तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था, मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहाँ लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी, उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पर सर रख लें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना, ऐसी भी कोई जेल गया होगा कि मैंने सर रख के आपको लेकर, मैंने साइड बदली, मैंने उसकी जानों पे सर रखा, पट्टी बांधी, मैं सो गया। इतने में उसको फोन आया उसके कजन का अमेरिका से, उसने उसे कहा कि कोई सुनया तुसी इमरान रियाज नु फड़ लिया। अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। उसने कहा जी मेरी देखो मेरे पास, तो उसने अमेरिका भेज दी। अच्छा, वो जो उसका कजन था उसने कहीं वायरल कर दी। वो जब मैं थाने पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं, वो बेचारा मुझे सुला रहा था। 1.5 घंटे में थाना आया, इन्होंने मुझे उठा के इन्होंने मुझे वहाँ जाके बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था, तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया हूँ। मैंने कहा क्यों, आप क्यों फारग हो गए? उसने मुझे अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे, अमेरिका से मेरे कजन का फ़ोन आया कि तुसी इमरान रियाज में फड़ लिया, तो मैंने कहा जी मेरे कोल है। उसने कहा जी साबित कर, वो मान नहीं रहा था, तो मैंने तस्वीर खींची उसको भेज दी। ये मेरी बात से आप हो गया, इस तरह बहुत सारे हुए। पाकिस्तान के वाहिद एंकर हैं जो राज दुलारों की तरह गए हैं जेल।